गाइज़, ये हमारी ऑल न्यू टाटा हैरियर गाड़ी है भाई। काफ़ी अल्टीमेट लुक के साथ में अभी लॉन्च हुई है और इसके अंदर जो हमारा सिस्टम अपग्रेडेशन है वो चल रहा है। गाइस, मैं हूँ तुषार साहब एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, हमारे पास में टाटा हैरियर गाड़ी है, स्मार्ट ऑप्शनल, जो कि सेकेंड टॉप मॉडल है, और इस गाड़ी के अंदर लगाया जा रहा है एंड्रॉयड डिवाइस। चलिए बताते हैं आपको। सो गाइज़, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास में टाटा हैरियर स्मार्ट ऑप्शनल वेरिएंट गाड़ी है, जो कि सेकेंड टॉप मॉडल है हैरियर का, और इसके अंदर कंपनी आपको टच स्क्रीन म्यूज़िक सिस्टम में कुछ भी नहीं देती। तो उसमें हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं भाई। यहाँ पर आप देखेंगे मोको का XZ02 फेसलिफ्ट 2 मॉडल है और 4 स्पीकर्स लगाने वाले रेफरेंस के कंपोनेंट स्पीकर्स, और रेफरेंस के ही आपको इसमें कोएक्सियल स्पीकर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे रेफरेंस कोएक्सियल स्पीकर 180 वॉट वाले, ये हम बैक साइड में लगाने वाले हैं इन्फिनिटी के, और यहाँ पर एंड्रॉयड जो लगाए हैं मोको ब्रांड का XZ02 मॉडल है। इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं भाई मोको ब्रांड है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हाई कॉन्फ़िगरेशन DDR4 रैम है। ये जो बेस्ड है 2+32GB रैम रोम के ऊपर बेस्ड है, 2x फास्टर है, क्योंकि यहाँ पर DDR4 रैम आपको देखने को मिल जाएगा। DVR फ्रंट और रियर कैमरास के साथ में आते हैं, तो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। 5G हॉटस्पॉट है, ट्रायो USB है, DSP डिजिटल साउंड प्रोसेसर, जो कि 32 बैंडविड्थ के इक्वलाइजर के साथ में आता है। 2.5D गोरिल्ला ग्लास है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस है। 2 साल की वारंटी इसमें आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है, और सब में इंपॉर्टेंट देखेंगे रियलटेक का 5.0 ब्लूटूथ इसमें दिया गया है। एंड्रॉइड वर्जन 10 के ऊपर बेस्ड है और 2K वीडियो प्लेबैक ये करता है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर 2.60 GHz का इसमें दिया गया है, और इंटरनेट इनसाइड है, मतलब इसके अंदर आप 4G सिम स्लॉट दिया गया है जिसमें आप 4G सिम डाल सकते हैं। वहीं हम बात करें हमारे कंपोनेंट स्पीकर, तो रेफरेंस के 6530 450 पीक पावर के साथ में आपको इन्फिनिटी के ये मिल जाते हैं कंपोनेंट स्पीकर, जो कि हम लोग अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल अभी कर रहे हैं। तो अभी इसका इंस्टॉलेशन चल रहा है, आपको मैं बताता हूँ इसका फुल इंस्टॉलेशन, फिर इसका रिव्यू भी देते हैं आपको। सो गाइस, समय पहले आप देखेंगे इसके पैनल्स हम लोगों ने गाड़ी के अंदर से निकाल लिए है, और यहाँ पर रेफरेंस यहाँ पर डालना है, जो कि आप देख पाएंगे। इसे लगाने के लिए एक रिंग चाहिए, तो यहाँ प्लास्टिक वाले रिंग लगाई है। उसके ऊपर हमारे ये स्पीकर्स का, जिसका इंस्टॉलेशन अभी चल रहा है बैक साइड में कोएक्सियल स्पीकर्स का, सारे पैनल्स हम लोग ने निकाल के रख लिए है। इसमें आप देखेंगे तो रियर साइड में यहाँ पर जो हमारा कोएक्सियल स्पीकर है रेफरेंस का इन्फिनिटी ब्रांड का, तो वो यहाँ पर लगा दिया गया। यहाँ आप देखेंगे इसके जो रिंग है, रिंग के साथ में यहाँ पर इंस्टॉलेशन किया गया है। इसी तरीके से हमारा जो कंपोनेंट स्पीकर्स हैं वो भी लगेंगे, तो जो कंपोनेंट स्पीकर्स का सेट है आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारे रेफरेंस कंपोनेंट स्पीकर्स है उसकी ग्रिल के साथ में आपको मिलते हैं, तो उसका भी इंस्टॉलेशन अभी यहाँ पर चल रहा है। बाकी हम एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड का इंस्टॉलेशन भी यहाँ पर अभी हो रहा है भाई। यहाँ पर देखेंगे इस गाड़ी के अंदर आपको सेंटर लॉक भी नहीं मिलता है, तो वन डोर का सेंटर लॉक किट भी यहाँ पर RD कंपनी का डाला जा रहा है इस गाड़ी के अंदर। और हमारे जो कंपोनेंट स्पीकर्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे कंपोनेंट स्पीकर्स यहाँ पर इंस्टॉल किए जा रहे हैं, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं इसका क्रॉस ओवर है, और ट्विटर भी इसके साथ में कनेक्ट करेंगे। तो डोर को निकालने के बाद में यहाँ पर इसका इंस्टॉलेशन होगा। ट्विटर का इंस्टॉलेशन इस जगह पे किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं रेफरेंस कंपोनेंट ट्विटर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। चलिए, इसके अलावा हम लोग बात करें तो RD ब्रांड का हमारा सेंटर लॉकिंग किट इसके अंदर इंस्टॉल किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे RD का सेंटर लॉकिंग किट है, जिसमें आपको रिमोट मिल जाते हैं, और ये हमारे कंपोनेंट स्पीकर्स हैं। तो ये किट भी अभी इसके अंदर इंस्टॉल किया जा रहा है, यहाँ पर लगाई गई गन। एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड हमारा यहाँ पर लगाया जा रहा है, जो कि फ्रेम के साथ में पर्टिकुलरली यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा। और 9 इंच का डिवाइस है हमारा, XZ02 मॉडल है, 2+32GB रैम रोम के साथ में आएगा। कपलर टू कपलर फिटमेंट इसमें आप देख सकते हैं, सारे के सारे कपलर टू कपलर फिटमेंट किए जा रहे हैं। और यहाँ पर देखेंगे स्टीयरिंग कंट्रोल्स यहाँ पर आपको दिए देंगे, लेकिन आफ्टर मार्केट आप चाहे तो इसमें स्टीयरिंग कंट्रोल्स लगवा सकते हैं। स्टार्ट स्टॉप का इसमें ऑप्शन नहीं है, आपको जो की मिली है उससे इसको ऑन करना रहता है। तो हमारा जो डिवाइस है अब यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट डन हो गया है, और नीचे में आपको सारी रॉकर्स बटन्स मिल जाएंगी, वॉल्यूम रॉकर बटन्स इस डिवाइस के साथ में, तो वो भी हम बताएंगे। फ्रंट जो कैमरा है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये फ्रंट कैमरा यहाँ पर फ्रंट के लिए लगाया गया, और रियर कैमरा रियर के लिए लगाया गया। इसका लुक देखेंगे यहाँ पर काफ़ी प्रीमियम क्लास का XZ02 मॉडल, जो कि आपको मोको ब्रांड की तरफ से मिलता है। सीट कवर का इंस्टॉलेशन अभी चल रहा है, पूरी गाड़ी को हम रेडी कर रहे हैं, तो गोल्डन कलर में सीट कवर जो उसका इंस्टॉलेशन यहाँ पर होगा, और यहाँ पर डालेंगे हम मॉडेस्टो की 70 मैट्स। यहाँ पर भी आप देख सकते हो सीट कवर ऑलमोस्ट यहाँ पर लगा दिए गए हैं, तो ये हो गया इसके गोल्डन कलर के बकेट सीट कवर, जो कि यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए गए हैं।
भाई जो हमारा एंड्रॉयड है उसका इंस्टॉलेशन हमारे मोनू भाई यहाँ पर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं फ्रेम के साथ में इंस्टॉलेशन है और सारे के सारे जो कपलर्स वायरसेस अंदर डाल दिए जाएंगे। अभी यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 स्लॉट देखने को मिल जाएंगे पेन ड्राइव के लिए, पेन ड्राइव USB 1, USB 2, और यहाँ पर ये जो स्लॉट दिया गया ना ये सिम लगाने के लिए दिया है। इसको खोल के मैं बताऊँ तो यहाँ पर आप 4G सिम कोई सी भी डाल सकते हैं, फिर वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, जियो, जो भी आप यूज़ करते हैं यहाँ पर सिम लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेम एज इट इज़ जैसे मोबाइल के अंदर ऑपरेट करते हैं आप मोबाइल फ़ोन को, सेम एज इट इज़ वैसे ही इस डिवाइस को भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये इंटरनेट इनसाइट का मतलब ये हुआ भाई, आप देख सकते हैं कि जो एंड्रॉयड है हमारा यहाँ पर अभी लग रहा है। लोड के लिए हमारे पास में हैरियर गाड़ी के लिए 2 ऑप्शन है, मॉडेस्टो ब्रांड की 70 मैट और मॉडेस्टो ब्रांड की 5D मैट्स। चलिए आपके दोनों का कंपैरिजन आपको बता देते हैं भाई। यहाँ पे आपको ये वाला मैट मिल जाता है 5D मैट मॉडेस्टो ब्रांड की तरफ से, और 70 मैट आपको चाहिए तो 70 मैट ये मिल जाता है। तो आप अपने हिसाब से इसके अंदर दोनों में जो पसंद आए आप वो डाल सकते हैं। ये है 5D मैट और ये है 70 मैट, मॉडेस्टो ब्रांड की तरफ से आपको मिलता है, प्रॉपर है और लुकिंग वाइज भी अच्छा लगता है। तो 2 ऑप्शन आते हैं 5D या 70, अभी कंफर्म करके इसको इंस्टॉल करके आपको बताएंगे। हैरियर की कनेक्टिंग टेल लाइट आप देखो यार कितनी प्यारी है, फेसलिफ्ट मॉडल की यहाँ से लेकर यहाँ था, और सेकेंड टॉप मॉडल जो इसका उसमें भी कंपनी ये आपको ऑफर कर रही है, और यही इसकी खास बात है भाई। कितनी बढ़िया लगती है ब्रेक लगाने के बाद में इस गाड़ी की पीछे वाली कनेक्टिंग टेल लाइट। जो एंड्रॉयड है वो यहाँ पर चालू हो गया, चलिए फटाफट इसकी स्पेसिफिकेशन आपको बताते हैं। लाइट भी यहाँ पर ऑन हो तो आपको मिल जाएगा, तो मोको X02 हमारा यहाँ पर ऑन होता हुआ आपको दिख जाएगा। इसमें जो RD कंपनी का सेंट्रल लॉक हम लोग ने डाला है, उसका रिमोट आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है, काफ़ी प्रीमियम क्लास का ये रिमोट है, और इस गाड़ी में ये लगाने की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। की जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही है इसकी नॉर्मल की है, और उसको बनाना है आपको रिमोट में, तो ये वाला लॉकिंग सिस्टम आपको इसके अंदर डालना पड़ेगा। तो गाइस हमारा मोको का X02 मॉडल यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है। समय पहले आप देखेंगे यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन हुआ है कुछ इस तरीके से हुआ है डैशबोर्ड के ऊपर में। इस मॉडल के अंदर यहाँ पर आपको इस जगह पर ये सारी कैप 2 यहाँ पर बटन्स मिल जाती हैं ऑप्शन में, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्स केबल का सपोर्ट मिलेगा। यहाँ आप देखेंगे तो जो पेन ड्राइव लगाना है तो पेन ड्राइव का यहाँ पर सपोर्ट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा फास्ट चार्जिंग आपको करनी है आपके मोबाइल के अंदर, फास्ट चार्जिंग के लिए यहाँ पर एक पैनल दिया गया यहाँ पर, तो वो ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर वॉल्यूम रॉकर बटन दी गई है, यहाँ पर भी बटन दी गई है, मेन्यू बटन, नेविगेशन बटन, सारी बटन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए अब इसके रिव्यू के बारे में बात करेंगे। तो 9 इंच का ये डिस्प्ले है, और फ्रेम वगैरह आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर फ्रेम के साथ में इंस्टॉल कर दिया गया है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर इस जगह पर यहाँ ऊपर में आप देखेंगे ना तो यहाँ पर सिम का स्लॉट आपको देखने को मिल रहा है, देख सिम का नेटवर्क देखने को मिल रहा है। तो 4G सिम स्लॉट इसके अंदर ऑप्शन दिया है, जैसे मैंने आपको बताया वाईफाई दिया गया है, ब्लूटूथ दिया गया है, पेन ड्राइव जो सॉकेट है वो भी यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया है, तो यहाँ से आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ये इसका मेन मेन्यू है, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो प्रीलोडेड जो एप्लीकेशन है जो कंपनी देती है वो सारी इसके अंदर अपलोडेड है। तो कैप 2 टच है, देखिए कैसा बढ़िया ये वर्क कर रहा है। समय पहले इसका DSP इक्विलाइजर देख सकते हैं, डिजिटल साउंड प्रोसेसर दिया गया है जो कि काफ़ी अल्टीमेट है। साउंड आउटपुट के लिए जो स्पीकर्स लगाए हैं यहाँ पर उसके साउंड आउटपुट के लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ है DSP, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा हम लोग बात करें भाई तो यहाँ पर बैक बटन दी गई है, यहाँ बैक हो सकता है। DVR ऑप्शन इसके अंदर दिया गया, तो अभी हमारा जो कैमरा है यहाँ पर इस जगह पर कैमरा लगाया गया है, इस कैमरे का इंस्टॉलेशन भी हो रहा है तो कैमरा भी आपको चालू करके बताएंगे। और यहाँ पर ब्लूटूथ ऑप्शन दिया गया है, कार इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद फाइल एक्सप्लोरर यहाँ पर दिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ हम देखेंगे तो गूगल मैप का इस्तेमाल आप यहाँ से कर सकते हैं, और प्रीलोडेड यहाँ पर शॉर्टकट बटन जैसे एंड्रॉयड में आपको देखने को मिलती है वैसे एंड्रॉयड में आपको यहाँ देखने। गूगल मैप देखिए यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है, ऑनलाइन होने पे आपको उसका और भी बढ़िया व्यू देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा हम लोग बात करें तो इसमें FM रेडियो भी दिया गया है, तो FM रेडियो भी आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें वीडियो की क्वालिटी, तो इसमें जो वीडियो क्वालिटी अभी चालू होगी, इसमें जो सेफ्टी मोड है ऑन है इसलिए इसमें चालू नहीं है, तो सेटिंग करने के बाद वीडियो की क्वालिटी भी इसकी आपको बताएंगे। और हम बात करें YouTube वगैरह इसके अंदर आप चला सकते हैं, FM रेडियो मैंने आपको बता ही दिया, सेटिंग्स वगैरह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं।
सिस्टम से रिलेटेड सेटिंग, अबाउट अस से रिलेटेड सेटिंग। तो यहाँ आप जानवर आप देख सकते हैं, 2GB 32GB रैम रोम का सपोर्ट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, और सिम स्लॉट का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। सिम स्लॉट का ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, एंड्रॉयड वर्जन इसके अंदर 10 दिया गया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जेन्युइन मिलती है इस डिवाइस के अंदर। इसके अलावा हम लोग बात करें तो स्पीड कार प्ले इसमें दिया गया, जिसमें आप अपना एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, वायरलेस कनेक्ट कर सकते हैं इस डिवाइस के साथ में। इसके अलावा बैक बटन यहाँ पर हैं, फ़ोन कॉल वगैरह का आपका तो यहाँ से आप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट वगैरह ये सब कुछ इसके साथ में पेयर हो जाएगा। और प्ले स्टोर है, अपनी पसंद की एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉलपेपर्स वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग वॉलपेपर्स ये आप इसके अंदर सेट कर पाएंगे। और ये पैनल लाइटिंग कलर्स वगैरह वो भी आप यहाँ से इसके अंदर सेट कर पाएंगे। इसके अलावा और भी सारी फीचर फंक्शन इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। स्टीयरिंग कंट्रोल अगर यहाँ पर है तो वो भी इसके साथ में पेयर हो जाते हैं। बाकी यहाँ देखो, इंस्टॉल होने के बाद में इसका लुक,